हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडार। अब तक हमारे 30 लेक्चर हो चुके हैं, आज हमारा 31 है और हमारी एक्सरसाइज चली हुई है 2.6 एट्थ क्लास की। आज हमारा क्वेश्चन है फोर्थ। क्या कहा गया फोर्थ क्वेश्चन के अंदर? फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि 3y प्लस में 4 इक्वल टू 2 -6y इक्वल टू -2/5 ये कहा गया है। इसके अंदर भी एक कंडीशन होनी चाहिए, y इज नॉट इक्वल टू 1/3, क्योंकि यदि हम y का मान 1/3 इधर रखेंगे तो नीचे 0 बन जाएगा और नीचे 0 बनने में हमें प्रॉब्लम हो जाती है, नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाता है। इसलिए 8th क्लास के अंदर ये कंडीशन है वो नहीं देते, वो डायरेक्ट ही कहते हैं, तो हम इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, इस कंप्लीट के न्यूमिनेटर के नीचे में डिनोमिनेटर है, इसके नीचे ये है, तो इसको तो उधर ले करके जाइए डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा, ये इधर वाला डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि 5 आगे आएगा 3y प्लस 4 इक्वल टू -2 इंटू 2 -6y। अब ये मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा तो ये क्या आएगा, 15y प्लस 20 इक्वल टू -4 और ये माइनस माइनस प्लस 12y। अब यहाँ पर वेरिएबल वाई है तो वाई इस टर्म को इधर ले करके आएंगे, तो यानी कि 50y -12y इक्वल टू -4 -20, यानी कि 3y इक्वल टू -24, y इक्वल टू -24/3, 8 पर कटेगा यानी कि माइनस का 8। y की वैल्यू कितनी आई हमारी इसके अंदर, माइनस का 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है? फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 7y प्लस 4/y प्लस 2 इक्वल टू -4/3। लास्ट क्वेश्चन किया था, यह क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। इस टर्म को उधर लेकर के जाएंगे तो इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसको लेकर करके जाएंगे तो इधर वाले से मल्टीप्लाई होगी। साथ में ये लिखना चाहिए, चाहना होना चाहिए y इज नॉट इक्वल टू -2, ये कंडीशन इसमें साथ लिखी होनी चाहिए तभी ये सही बनता है, y इज नॉट इक्वल टू -2, लेकिन 8th क्लास के अंदर नहीं लिखते। अब इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 7y प्लस 4 इक्वल टू -4 × y+2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21y+12 इक्वल टू -4y-8। इसे हम इधर लेकर के आएंगे, 21y+4y=-8। इसको उधर ले करके जाएंगे तो इसने भी अपना साइन चेंज कर लिया, इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 25y=-20। ये एक टर्म है, 25 वेरिएबल से मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि y इक्वल टू -20/25। ये दोनों 5 से कटते हैं तो ये 4 पे और ये 5 पे, तो यानी कि माइनस का 4/5। यहाँ पर हमारी y की वैल्यू क्या आई, 4y -4y
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।